आज हम पढ़ेंगे ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको कहीं भी किसी भी बुक में या किसी भी और वीडियो में समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ना है, सिर्फ एक बार पूरा वीडियो देखना, उसके बाद हमेशा याद रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है विकसित संविधान। विकसित संविधान, देखो ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है। विकसित संविधान एक ऐसा संविधान होता है जिसका कई वर्षों में विकास हुआ हो, अर्थात समय के अनुसार धीरे धीरे विकसित हुआ हो। तो ब्रिटेन के संविधान का विकास कई वर्षों में हुआ है, इसलिए ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है। देखो एक होता है विकसित और एक होता है निर्मित संविधान। तो जो निर्मित संविधान होता है उसका निर्माण किसी संविधान सभा द्वारा किया जाता है, जैसे कि अमेरिका, अमेरिका का संविधान एक निर्मित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है। ब्रिटेन के संविधान का निर्माण किसी संविधान सभा ने नहीं किया है, बल्कि धीरे धीरे समय के अनुसार विकसित हुआ है। तो पहली विशेषता हो गई ब्रिटेन के संविधान की कि विकसित संविधान। दूसरी विशेषता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, तो ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान एक ऐसा संविधान होता है जिसका अधिकांश भाग अलिखित रूप में होता है, अर्थात परंपराओं के रूप में होता है। तो जो ब्रिटेन का संविधान है उसका अधिकांश भाग परंपराओं के रूप में है, जैसे कि ब्रिटेन में एक टॉपिक आता है, ब्रिटेन के संविधान में एक टॉपिक आता है कि ब्रिटेन का संविधान संयोग और विवेक का शिशु कैसे है। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो उसमें संयोग के तत्व हैं, यानी कि वो परंपराओं पर आधारित है। तो अलिखित संविधान एक ऐसा संविधान होता है जिसका अधिकांश भाग अलिखित होता है, अर्थात परंपराओं के रूप में होता है, और जिसका थोड़ा बहुत भाग लिखा हुआ होता है वो संविधान क्या होता है, अलिखित। तो ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है, जबकि अमेरिका का संविधान एक कैसा संविधान है, लिखित संविधान है, अर्थात अमेरिका के संविधान का अधिकांश भाग लिखित रूप में है, इसलिए उसको बोलते हैं लिखित संविधान। तो ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित है, यानी कि अधिकांश भाग परंपराओं के रूप में है या अलिखित है। तीसरी विशेषता है लचीला संविधान। लचीला संविधान, लचीला संविधान एक ऐसा संविधान होता है जिसमें आसानी से संशोधन या परिवर्तन किया जा सके, यानी कि ब्रिटेन का संविधान एक लचीला संविधान है। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन के संविधान में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। और लचीले संविधान की परिभाषा ये होती है कि एक ऐसा संविधान जिसमें कानून बनाने की प्रक्रिया और संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया दोनों एक ही हों, अर्थात सामान्य कानून के द्वारा ही संविधान में संशोधन किया जा सके, उसको बोलते हैं लचीला संविधान। और लचीले संविधान का उल्टा होता है कठोर संविधान। तो अमेरिका का संविधान एक कैसा संविधान है, कठोर है, जबकि ब्रिटेन का संविधान एक लचीला संविधान है, यानी कि ब्रिटेन के संविधान में सामान्य कानून के द्वारा ही संविधान में संशोधन हो जाता है, संविधान में संशोधन करने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, अर्थात आसानी से परिवर्तन हो जाता है। चौथी विशेषता है एकात्मक संविधान या एकात्मक शासन व्यवस्था। देखो एक होता है एकात्मक, एक होता है संघात्मक। तो एकात्मक कहाँ की विशेषता है, ब्रिटेन की, और संघात्मक कहाँ की विशेषता है, अमेरिका की है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है कि एकात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें संपूर्ण देश पर केवल एक ही केंद्रीय सरकार शासन करती है। तो ब्रिटेन में जो ब्रिटेन की जो केंद्रीय सरकार है वही पूरे ब्रिटेन पर शासन करती है। तो वहाँ क्या, कौन सा संविधान है, एकात्मक संविधान है। दूसरा होता है संघात्मक। संघात्मक में क्या होता है कि केंद्र सरकार भी शासन करती है और राज्य सरकारें भी शासन करती हैं, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है। ब्रिटेन में पूरे ब्रिटेन पर केवल एक ही केंद्रीय सरकार शासन करती है, इसलिए ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है, एकात्मक संविधान है।
अब देखते हैं पांचवी विशेषता, देखते हैं ब्रिटेन के संविधान की पांचवी विशेषता। तो पांचवी विशेषता है संसद की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता या संप्रभुता, एक ही बात है दोनों की, संसद की सर्वोच्चता। देखो ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता पाई जाती है, इसका अर्थ यह है कि ब्रिटेन की संसद कोई भी कानून बना सकती है, किसी भी कानून में संशोधन कर सकती है और किसी भी कानून को समाप्त कर सकती है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। ब्रिटिश संसद द्वारा किए गए किसी भी कार्य को किसी भी सत्ता के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि ब्रिटेन की संसद अपने आप में सर्वोच्च है, जो चाहे वह कार्य कर सकती है, अपने आप में संप्रभु है। ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता या सर्वोच्चता को ध्यान में रखते हुए एक विचारक हैं डी लोम्बे। तो डी लोम्बे ने कहा है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। तो ये हो गई पांचवी विशेषता, क्या है, संसद की सर्वोच्चता या संप्रभुता। छठी विशेषता है विधि का शासन, विधि का शासन। ब्रिटेन में विधि का शासन पाया जाता है, विधि के शासन का अर्थ है कि ब्रिटेन का शासन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा अनुसार नहीं चलेगा, बल्कि विधि की अर्थात कानून की इच्छा अनुसार चलेगा। विधि के नजर में या कानून के समक्ष चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, सभी कानून के समक्ष या विधि के समक्ष समान है। तो ब्रिटेन में विधि का शासन पाया जाता है और ब्रिटेन में विधि के शासन का जो सबसे अच्छा विवेचन किया है उस विचारक का नाम है डाइसी। कभी भी एग्जाम में पूछे विधि के शासन का जो सबसे अच्छा विवरण है वो किसने किया है, वो किया है डाइसी ने। तो ये हो गई छठी विशेषता विधि का शासन। सातवीं विशेषता है मिश्रित संविधान, मिश्रित संविधान। ब्रिटेन का संविधान एक मिश्रित संविधान है। मिश्रित संविधान का अर्थ होता है कि ऐसा संविधान जहां पर एक से अधिक शासन प्रणालियां पाई जाती हों या एक से अधिक शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हों। तो ब्रिटेन का संविधान एक मिश्रित संविधान है, इसमें तीन प्रकार की शासन प्रणालियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं, पहला है राजतंत्र, दूसरा है लोकतंत्र और तीसरा है कुलीन तंत्र, तीसरा है कुलीन तंत्र। तो जो ब्रिटेन में सम्राट या राजा पाया जाता है वो किसका प्रतीक है, राजतंत्र का प्रतीक है, और जो संसद है विशेषकर जो संसद का प्रथम सदन है और जो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री हैं वे किसका प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक है, क्योंकि वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। और लोकतंत्र क्या होता है कि जहां पर जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती हो। तो ब्रिटेन में क्या पाया जाता है, लोकतंत्र भी पाया जाता है। और जो तीसरा है कुलीन तंत्र, यानी कि जो लॉर्ड सभा है ब्रिटेन की संसद की वो किसका प्रतीक है, कुलीन तंत्र का प्रतीक है, क्योंकि लॉर्ड सभा में जो कुलीन वर्गों के व्यक्ति होते हैं वे चयनित होते हैं या मनोनीत होते हैं। तो ब्रिटेन में तीन प्रकार की शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, राजतंत्र, लोकतंत्र और कुलीन तंत्र, इसलिए ब्रिटेन का संविधान क्या है, एक मिश्रित संविधान है। आठवीं विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था, आठवीं विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत तीन बातें शामिल हैं। पहला यह है कि जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका यानी कि मंत्रिमंडल, कार्यपालिका मतलब क्या होता है, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी, संसद के प्रति उत्तरदायी। और दूसरी जो बिंदु होता है, दूसरी विशेषता होती है संसदीय शासन व्यवस्था की, वो यह होती है कि इसमें जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं यानी कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वे संसद से ही चुने जाते हैं, यानी कि कार्यपालिका के सदस्य
संसद के ही सदस्य होते हैं, संसद के ही सदस्य होते हैं। और संसदीय शासन व्यवस्था की जो तीसरी मुख्य बात होती है वो यह होती है कि इसमें दो प्रकार की कार्यपालिकाएं पाई जाती हैं या दो प्रकार के प्रमुख पाए जाते हैं। एक होता है नाममात्र का प्रमुख, नाममात्र का प्रमुख, और दूसरा होता है वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख। तो जो नाममात्र का जो प्रमुख होता है या नाममात्र की कार्यपालिका होती है वो होती है सम्राट, कौन होता है सम्राट, और जो वास्तविक प्रमुख होता है वो होती है मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री। भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए भारत में भी ये तीनों विशेषताएं पाई जाती हैं कि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पर कार्यपालिका का मतलब है मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री। दूसरी बात इसमें यह है कि कार्यपालिका यानी कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं अर्थात जो मंत्री होते हैं वे किसके सदस्य होते हैं, संसद के ही सदस्य होते हैं। और तीसरी जो बात होती है वो ये होती है कि संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार के प्रमुख या दो प्रकार की कार्यपालिकाएं पाई जाती हैं, नाममात्र का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख। जो नाममात्र का प्रमुख होता है वो होता है सम्राट या राजा, और अगर भारत के संदर्भ में देखें तो राष्ट्रपति, और जो वास्तविक प्रमुख होता है वो होता है मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री। तो यह हो गई संसदीय शासन व्यवस्था, इसके अंतर्गत तीन बातें शामिल होती हैं। अब नौवीं विशेषता देखते हैं। नौवीं विशेषता है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, सिद्धांत और व्यवहार में, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। देखो प्रत्येक शासन व्यवस्था में या प्रत्येक संविधान में कुछ न कुछ मात्रा में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर अवश्य पाया जाता है, लेकिन ब्रिटेन में यह अंतर कुछ ज़्यादा ही मात्रा में पाया जाता है। और जो सिद्धांत और व्यवहार का अंतर है उसको भी हम तीन बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं या देख सकते हैं। पहला बिंदु है कि ब्रिटेन में सैद्धांतिक रूप से क्या है, राजतंत्र है, क्योंकि सबसे सर्वोच्च कौन है ब्रिटेन में, सम्राट या राजा है। तो सैद्धांतिक रूप से ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्र है, और व्यवहारिक रूप से क्या है, लोकतंत्र है, क्योंकि शासन की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित हैं, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री में निहित हैं। तो व्यवहारिक रूप में यह क्या पाया जाता है, लोकतंत्र। दूसरा बिंदु देखते हैं कि सिद्धांत में संसद किस पर नियंत्रण रखती है, संसद नियंत्रण रखती है कार्यपालिका पर यानी कि मंत्रिमंडल पर, किस पर रखती है, मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है, किसमें, सैद्धांतिक रूप में संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। लेकिन व्यवहार में क्या होता है कि जो मंत्रिमंडल है वो संसद पर नियंत्रण रखती है। देखो सिद्धांत में क्या होता है कि संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है, लेकिन व्यवहार में जो मंत्रिमंडल होती है वो संसद पर नियंत्रण रखती है। तो ये हो गए दो पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है कि ब्रिटेन में सैद्धांतिक रूप में तो शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, लेकिन व्यवहार में शक्ति पृथक्करण नहीं पाया जाता है। शक्ति पृथक्करण क्या होता है, देखो सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अगर ये तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र रह करके अपना अपना कार्य करें तो उसको बोलते हैं शक्ति पृथक्करण। तो ब्रिटेन में सैद्धांतिक रूप से तो सरकार के तीन अंग हैं और तीनों अपना अपना कार्य भी करते हैं, तो सैद्धांतिक रूप में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, लेकिन व्यवहार में सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं, इसलिए व्यवहार में शक्ति पृथक्करण नहीं पाया जाता है। तो ये हो गए सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। विशेषता है सामान्यतः द्विदलीय पद्धति। तो ब्रिटेन में सामान्यतः द्विदलीय पद्धति पाई जाती है, इसका अर्थ यह है कि ब्रिटेन में सामान्यतः दो ही प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई तीसरा राजनीतिक दल नहीं हो सकता है, ब्रिटेन में जितने चाहे उतने राजनीतिक दल बन सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन सामान्यतः वहाँ पर दो ही राजनीतिक दल पाए जाते हैं। तो ये हो गई ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं।